दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जहां पर आप मात्र कुछ ही समय में लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। यानी कि मात्र 2 सालों के अंदर आप लगभग 2 से 5 लाख रुपए पर महीने तक की कमाई कर सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। यहां पर एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम राजू भटनागर है। पहले वो बहुत ही गरीब थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया और वो मात्र 2 सालों के अंदर 5 करोड़ के मालिक बन गए। आखिर कैसे वो मालिक बने, उनकी स्टोरी अभी हम बाद में सुनाएंगे। इसके पहले हम आपको एक और डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको इस पे भरोसा हो जाए। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर करीब 1200 करोड़ रुपये कमा लिए। कबाड़ बेचकर हुई इस कमाई इतनी अधिक है कि इसमें भारत 2 बार चंद्रयान 3 को चांद पर भेज सकता है। जी हाँ, चंद्रमा पर भारत सफल चंद्रयान 3 मिशन पे लगभग 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। आप विश्वास करें या ना करें, नरेंद्र मोदी सरकार कबाड़, मसलन फाइलें, खराब हो चुके कार्यालय उपकरण और अप्रचलित वाहनों को बेचकर 2 चंद्रयान मिशन को अच्छी तरीके से स्पॉन्सर्ड कर सकती है, यानी भेज सकती है। लेटेस्ट सरकारी रिपोर्ट के कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में स्क्रैप यानी कबाड़ को बेचकर लगभग 1163 करोड़ रुपए कमाए गए। और साथ ही हम आपको यह बताते चलें कि इस साल अक्टूबर में एक महीने के लंबे अभियान के दौरान किया गया 557 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार कार्यालय में आश्चर्यजनक संख्या में लगभग 96 लाख फिजिकल फाइलों को हटा दिया है और इसमें कुछ मिलाकर सरकारी कार्यालयों में लगभग 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है। इसमें कार्यालय की गलियारों की सफाई, खाली जगह के मनोरंजन केंद्र व अन्य उपकरणों का उद्देश्यों के लिए यह जगह खाली की गई है। तो अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और राजू भटनागर ने किस तरीके से करोड़ों रुपये कमा लिए और कैसे उन्होंने कमा लिए, इसकी पूरी जानकारी हम यहां पर देंगे। इस साल की शुरुआत में अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि असफल हो चुके रूसी चंद्रमा मिशन की लगभग 16 हज़ार करोड़ रुपए हैं और हमारे चंद्रयान 3 मिशन में की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए है। चंद्रमा और अंतरिक्ष मिशनों पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों में की लागत 600 करोड़ रुपये आती है। तो स्क्रैप की बिक्री 1163 करोड़ रुपए राजस्व का आंकड़ा दर्शाता है। स्वच्छता पर सरकारी कार्यक्रम कितना बड़ा और महत्वपूर्ण रहा, जिससे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इसका अभियान का नेतृत्व कर रही है। तो इसी तरीके से राजू भटनागर ने करोड़ों रुपये कमाए थे। उन्होंने भी शुरुआत में एक कबाड़ की दुकान पर उन्होंने काम स्टार्ट किया जहां पर वो 25 रुपये प्रति केजी का सामान खरीदते थे। 25 रुपये प्रति केजी सामान जब वो खरीदना स्टार्ट किए तो वो जाकर के दुकान पे उसे 30 रुपये में बेचते थे, यानी कि उनको 5 रुपये प्रति केजी का मुनाफा होता था। लेकिन वो ये चीज़ नहीं ध्यान दिए, कुछ समय बाद एक साल तक उन्होंने ये काम किया। काम करने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो सामान वो 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये में खरीद कर लाते हैं, वही सामान जो कबाड़ वाला दुकानदार है वो उसी सामान को आगे 60 रुपये प्रति केजी में बेचता है। तो वो कैसे बेचता है, उन्होंने एक दिन ध्यान दिया तो उनको ये पता चला कि जो कबाड़ का दुकान करने वाला जो मालिक है उसमें से अच्छी वस्तुओं को छांट कर अलग रख लेता है, जिससे कि जो लोग खरीदने के लिए आते हैं उनको वो सामान देता है और वो 60 रुपये प्रति केजी में बेचता है, यानी कि डबल प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ वो जब गाड़ियों को लोड कराता है तो वहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो भी भारी प्रॉफिट कमाती हैं। तो फिर उसने धीरे धीरे इसका पता करना शुरू किया कि आखिर इसमें किस तरीके से कौन सा सीक्रेट जुगाड़ लगता है। तो उसको एक चीज़ और पता चली कि ये जो है कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर लोहे का डाउनफॉल आता है, यानी कि लोहे में काफ़ी गिरावट आती है। ये ज़्यादातर बरसात के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे ये कबाड़ को ज़्यादातर एकत्रित करता है और ये ठंडी के सीज़न में जब भी लोहे पे दाम बढ़ते हैं उस टाइम ये अपने भी लोहे को सेल करता है, यानी गाड़ियों में लदा करके फिर उसे मार्केट में भेजता है, जिससे कि मार्केट यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो लोहे का काम करती हैं, जो सरिया या जो है पत्ती या एंगल या पाइप वगैरह बनाती है, वो कंपनियां इसे खरीद करके आगे भेजती हैं और फिर से वो हमारे पास लोहा साफ होकर के रिसाइकलिंग होकर के आ जाता है। फिर ये चीज़ उसको जानने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो पैसे प्रेजेंट टाइम में है नहीं, तो अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूँगा। उन्होंने कई सारे बैंकों से संपर्क किया, बड़ी मुश्किल से एक बैंक ने उसे लोन देना उचित समझा और उसने कहा हम आपको लोन देंगे बट इसके बदले में हम आपको 18% आपसे जो है
पर ईयर जो है आपसे हम ब्याज चार्ज करेंगे। उसको तो अपना धंधा स्टार्ट करना था और अपने धंधे पे पूरा भरोसा था, इसलिए उसने क्या किया, हमने उसने कहा कि चलो हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं और आप हमें पैसा दीजिए। धीरे धीरे करके उसने जो है पैसा उसे जो है बैंक ने दे दिया और उसने एक छोटी सी रोड के साइड में एक दुकान डाली जहाँ पर 10 बिसुआ की ज़मीन पड़ी हुई थी और उसने उस 10 बिसुए में अपना धंधा स्टार्ट किया। बात ये बता दें कि जो भी कबाड़ का दुकान अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसकी जगह मायने नहीं रखती, इसकी जगह यही मायने रखती है कि आप रोड साइड होना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी आसानी से ट्रक लोड होकर के शहर चला जाए और दूसरे की जो गाड़ियाँ होती हैं वो आसानी से आ जाएँ। जब उसने ये स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि यार मेरे पास तो लोग हैं नहीं तो मैं कैसे काम स्टार्ट करूँगा। उसने सिस्टम बनाया और आस पड़ोस में अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई भी काम हमारे साथ करना चाहता है तो सबसे पहले मैं उसको पैसा दूंगा और जितना पैसा वो लेकर जाएगा उतने का कबाड़ हमको शाम को बेच करके हम उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसे दे देंगे, बाकी नगद अपने पास रख लेंगे। ये सुनते ही काफ़ी बेरोजगार युवा थे और उन्होंने क्या किया, तुरंत उसमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया, यानी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया बस तुरंत ही उसका धंधा जोरों शोरों से आगे से बढ़ने लगा। यानी 2-4-5 लोग आए, फिर पाँच छः लोगों ने अन्य लोगों से बताया, 10 लोग आए। उसमें से लोग आते थे और क्या करते थे, उसको अपना वाहन देता था, जो भी ठेलिया होती थी या बाइक के साथ ठेलिया होती थी, ऑटो होता था, वो अपना वाहन देता था और अपने वाहन से वो लोग खरीदने जाते थे। खरीद करके शाम को ले करके आते थे, वो उसे तौल लेता था और जो भी उनका हिस्सा बनता था उसे दे देता था, बाकी का अपना पैसा अपने पास रख लेता था। साथ में सेफ्टी के लिए उनसे कागज़ पे साइन भी करवाता था कि मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं ये खरीदने के लिए, आपको हमको शाम को ये पैसे रिटर्न भी करने हैं और मेरी जो है जो गाड़ी है उसके साथ आपको रिटर्न करना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी जो है लिखवाना, तो जिससे कि लोग ईमानदार भी थे, कुछ लोग बेईमान भी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सारे बेईमान नहीं होते, कुछ परसेंट लोग ही बेईमान होते हैं। तो इसने सबसे पहले अपने आस पड़ोस पे लोगों पर ही भरोसा किया, क्योंकि पड़ोसी बहुत कम लोग धोखा देते हैं, इस वजह से पड़ोस पर लोगों के भरोसा किया और वो पड़ोस के लोग इनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए। और ये मात्र एक साल के अंदर इन्होंने सारा पैसा जो भी था वो सारा पैसा इन्होंने चुका दिया। फिर वही सिस्टम का उपयोग किया, जो अच्छी सामान होती थी उसे अलग रख लिया जाता था और जो बिल्कुल कबाड़ होती थी उसे अलग रख दिया जाता था। यानी कि जो अब इनका खर्चा आसानी से वहाँ से निकलने लगा था, यानी कि जो 30 रुपये में खरीदा हुआ सामान ये 60 रुपये में किसान को सेल कर देते थे और किसान को ये जो सामान सेल करते थे वो जो मार्केट में लोग 60 रुपये में सेल कर रहे थे उससे भी 5 रुपये डाउन करके सेल करते थे, यानी 55 रुपये में। यानी कि इनसे ये भी मार्केटिंग बढ़ने लगी कि यार उसके पास जाओ तो वहाँ पर सामान कम रेट में मिल जाता है और दूसरे पास अगर लोग जाते थे तो वहाँ पर उनको भारी पैसा चुकाना पड़ता था। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम कम रेट में अगर पैसा देंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा और ज़्यादातर लोग हमारे पास भी आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने यही समझा कि हमको अच्छा रहेगा कि अगर हम खुद का धंधा स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया और कुछ ही समय में लाखों करोड़ों की कमाई होने लगी। इस धंधे को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा धंधा करें जहां पर कभी भी आपको कोई रोक टोक ना हो, तो जिस जगह पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस जगह का मुआयना करवाएं और वहां पर रजिस्ट्रेशन, उसका GST रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन तथा उसके साथ साथ आप पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन भी करवाएँ। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जब आप ले लेंगे तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और आप GST भी ले लेंगे तो इससे आपको एक प्रॉब्लम की और आपकी ख़त्म हो जाएगी कि आप सरकारी कबाड़ भी खरीद सकते हैं। यानी सरकारी कबाड़ जब कभी भी बेचना है ख़रीदना होता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप सरकारी कबाड़ में ख़रीदेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है और प्रॉफिट वहाँ पर देखने को ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी भी होती हैं जो आपको कम दाम में मिल जाती हैं, बट वो चीज़ ऐसी होती है। तो आप रेलवे का भी कबाड़ खरीद सकते हैं, लेकिन ये सारे कबाड़ आप तभी खरीद पाएंगे जब आपके पास प्रेजेंट टाइम में सारे लाइसेंसेस डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, तब जा कर के आप आसानी से कबाड़ खरीद सकते हैं। तो सरकारी कबाड़ आप कैसे खरीदेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सरकारी कबाड़ खरीदने के लिए नगर निगम से संपर्क किया जाता है। इसके अलावा कई कस्टमर भी वेस्ट मटेरियल प्राइवेट कराते हैं जिससे भी कबाड़ खरीदा जा सकता है। कबाड़ से जुड़ी कुछ बातें, कबाड़ से रिसाइकिल करने का बिजनेस शुरू करने के लिए आसपास के इलाकों में
से आपको कबाड़ को इकट्ठा करना होगा। कबाड़ के बिजनेस को इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कबाड़ के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले कबाड़ की सफाई करनी होती है और उसे छांटबीन भी करनी होती है। कबाड़ में कभी कभी लोहा के साथ साथ कापर भी आ जाता है, तो आपको वहाँ पर कापर को भी अलग करना पड़ता है, अल्मुनियम को अलग करना पड़ता है, लोहे को अलग करके आपको अलग अलग करके सारी चीज़ों को बेचेंगे। इसमें क्या होता है, गांव के लोगों को पता नहीं होता और वो क्या करते हैं, आपको जो है सामान दे देते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं आकर के, प्लास्टिक अलग करते हैं, लोहा अलग करते हैं, तो जिससे क्या होता है, कस्टमर आपको जो दे देता है उसको आप घर पे लाके अगर साफ़ सफाई करके सेल करते हैं तो अच्छे दाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में मैं बता दूं, पूरा परिवार का परिवार यहाँ पर कबाड़ी का काम करता है। मियाँ बीबी बच्चे सारे लोग मिल करके कबाड़ी का काम करते हैं और शाम तक लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे की उनकी कमाई हो जाती है, मात्र 2 से 3 लोगों के द्वारा। क्योंकि पता नहीं कितने लोग पानी पीते हैं, बोतल फेंक देते हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं रोड के साइड में उनको लोग फेंक देते हैं, घर बनवाते हैं सरिया वगैरह फेंक देते हैं, मलबा डालते हैं उसमें तमाम लोहा वगैरह फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि इन सारे चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल फेंक दिया जाता है इसको लोग उठा करके जा करके सेल कर देते हैं। जहाँ पर रोड वगैरह बन रही होती है, वहाँ पर खुदाई हो रही होती है, वहाँ पर भी बहुत सारा कबाड़ निकलता है। जहाँ पर शादी पार्टी कुछ भी मुंडन वगैरह होते हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक की कई सारे सामान मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग नए घर बनवा रहे होते हैं वहाँ पर भी कबाड़ निकलता है। साथ ही साथ जो लोग अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर भी कबाड़ निकलता है। यहाँ पर आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट आप बना करके फिर उसे सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना घर छोड़ करके जाते हैं वो लोगों के पास बहुत बड़ा जो है स्टॉक होता है कबाड़ का, और हर घर में मैं बता दूं कुछ ना कुछ कबाड़ ज़रूर होता है जिसके द्वारा आप वो उसे खरीद सकते हैं। खरीद करके लोगों को जो है प्रॉफिट पैसा दे करके और फिर आप उसमें प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आप जब कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी कि आपके एरिया के नियरेस्ट कौन कौन सी कंपनियां हैं। जब आप एक कंपनी से जुड़े रहते हो तब आपको रेट का पता नहीं चलता, यानी रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है रेट के साथ। और जब आप 2-4 कंपनियों के साथ जुड़ते हो तो लोग अपना अपना रेट देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ सच में एक्चुअल प्राइस एक्चुअल रेट क्या है। और जब कभी भी आप सरकारी कबाड़ खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पर और भी दिग्गज कई सारे लोग बैठे होते हैं जो अपनी अपनी बोली लगाते हैं, अपना अपना फॉर्म सबमिट करते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें जो है इतने रुपए का सामान ये ख़रीदना है। जिसकी बोली ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा पैसे लगाता है, उसी को वो कबाड़ बेच दिया जाता है। यहाँ मैं बता दूँ कबाड़ का मतलब ये नहीं सिर्फ लोहे का सामान, आप लोहे का सामान, प्लास्टिक का सामान, कांच का सामान, कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की पन्नी आती है, पोलोथीन आती है, रद्दी पेपर यानी कि जो भी कॉपी किताब बुक्स होती हैं, जो भी चीज़ें एवरीथिंग कुछ भी होता है हर चीज़ सेल हो जाती है। कुछ लोग कबाड़ में जो भी फल फ्रूट्स के छिकले आते हैं इनको भी खरीद करके इसके जैविक खाद बनाते हैं, इसका भी जो है निकाल करके रस वगैरह निकाल करके इससे भी खाद बनाते हैं, पेस्टीज बनाते हैं, इसके जो है ऑर्गेनिक खाद बनती है जिससे कि खेतों में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बनाना का जो है छिलका हो गया या एप्पल का छिलका हो गया या फिर तरोई लौकी, ये सारी चीज़ें हैं। तो गीला कचरा अलग रखा जाता है, सूखा कचरा अलग रखा जाता है और फिर इसे मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, आपको समझना पड़ेगा, इसे अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसमें जब घुसोगे तब धीरे धीरे एक एक चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही आसान बिजनेस है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कस्टमर को सर्विस देने की आवश्यकता नहीं होती, कस्टमर खुद आपके पास आएगा। बस आपको एक वेबसाइट और इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकडम, इन सारी जगहों पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। और जो भी छोटे मोटे, जब आप बड़े लेवल पर काम करने लगते हो तब आपके पास छोटे मोटे जो कबाड़ी होंगे खुद ब खुद आपसे संपर्क कर लेंगे और आपको जो है अपना माल देना स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप सारी चीज़ समझ पाएंगे, जो नहीं समझ पाए कमेंट्स करिएगा, हम आपको उससे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल दे देंगे। और अगर आप एक हिंदी समझने वाले हैं और भारत के नागरिक हैं तो इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे और आप हर उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।